आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रेलवे पुलिस की मुदय्यत में सीटीडी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुकदमे में कत्ल, इकदाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल की गई है। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। सीटीडी हुकाम का ऐसा बताना है, धमाके में 25 अफराद जान बहक और 62 जख्मी हुए हैं। सीटीडी हुकाम का ऐसा बताना सामने आया है। तो रेलवे स्टेशन खुदकुश धमाके का मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ ने हमें ज्वाइन किया है। आतिफ, मुकदमा दर्ज हो चुका, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज कोयटा रेलवे स्टेशन पे सुबह जो खुदकश धमाका हुआ था उसका मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा रेलवे पुलिस की मुदय्यत में दर्ज किया गया है। नामालूम अफराद के खिलाफ इस मुकदमे में कतल, इकदाम कतल और दहशतगर्दी समेत दीगर दिफात जो हैं वो शामिल की गई हैं। धमाके में 25 अफराद जान बहक और 62 जो है वो जख्मी हुए थे। जी ठीक है आतिफ, आपका बेहद शुक्रिया।